नमस्कार। पलकों का झुकना या जिसको हम मेडिकल टर्म्स में डूपी आईलिड कहते हैं, इसकी वजह से आपका फील्ड ऑफ विजन कम हो सकता है, वो दिखने में ख़राब दिखता है और काफ़ी लोग उसकी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मिलिंद नाइक और मैं एक आई प्लास्टिक सर्जन हूँ हैदराबाद में, और आज हम बात करेंगे ड्रूपी आईलिड और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। ड्रूपी आईलिड ये जन्म से मसल की डिफेक्ट की वजह से हो सकता है या फिर कोई इंजरी की वजह से हो सकता है। कुछ यंग पेशेंट्स में आईलिड का मसल अपनी नॉर्मल जगह से स्लिप हो सकता है, जैसे कि हमारे पर्दे की स्ट्रिंग अगर स्लिप हो जाए तो पर्दा पूरी तरह से नहीं उठा सकते, वैसे ही पलक का सिचुएशन हो सकता है। क्या सर्जरी से ड्रूपी आईलिड ठीक किया जा सकता है? हाँ, काफ़ी केसेस में ये ठीक किया जा सकता है। इसके लिए हम पहले चेकअप में आईलिड्स के सारे अपर्चर्स जो है ये मेजर करते हैं, आपका मसल फंक्शन कितना है ये देखते हैं, और ये सारे मेजरमेंट्स के बाद ही हमको आइडिया आता है कि आप में कौन सी सर्जरी परफेक्ट होगी। कुछ केसेस में नॉर्मल मसल को टाइट करने से पलक लिफ्ट हो जाता है। जिन केसेस में मसल फंक्शन बहुत वीक है, उन केसेस में हमें आईलिड के मसल को आईब्रो से कनेक्ट करना पड़ता है, जिसको स्लिंग सर्जरी बोलते हैं। कुछ रेयर केसेस में न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन अफेक्ट होके मसल वीकनेस हो सकती है, जिसको हम मायोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करके इसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। अगर सर्जरी आपके लिए सही है तो हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं ऑपरेशन से पहले, आपको फिजिशियन चेक करता है और उसके बाद सर्जरी के लिए आप रेडी हो। ज़्यादातर ड्रूपी आईलिड की सर्जरियाँ लोकल एनेस्थीसिया में होती है, इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन डे केयर होता है, इसमें आपको अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं है। ड्रूपी आईलिड की सर्जरी के चार्जेस क्या होते हैं? इसके चार्जेस 20,000 से लेकर 90,000 या 1,00,000 तक भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कौन से टाइप की सर्जरी है, कौन सी एनेस्थीसिया में करेंगे, इसके लिए हम क्या इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, इस पर निर्भर होता है कि प्राइस क्या होगी। इन सर्जरीज़ के लिए हमारे अस्पताल में अलग अलग पैकेजेस है, आप काउंसलर से बात करके आपके लिए कौन सा सही पैकेज है ये पहचान के सर्जरी प्लान कर सकते हैं।